बेलपत्री आप शिवलिंग पर तेले चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं। दूसरा, जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। ये दो अलग अलग क्रम है शंकर भगवान की पूजन के। आप समझ लीजिएगा जरा, ये प्रसंग कभी नहीं आया, आज आया है तो उसको समझ। पहले बेलपत्र, उसके बाद में जल जो चढ़ाया जाता है, ये रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। काहे के लिए चढ़ाते हैं? रोग के निवारण, रोग मुक्ति के। आप शिव मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे तो दो चीजें अपने को दर्शन करने को मिलेगी। एक भक्त आता है शंकर जी के मंदिर में, लोग भाव से पहुंचते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, पहले बेलपत्री चढ़ा देते हैं फिर जल चढ़ा देते हैं। और एक भक्त जो शिव मंदिर में पहुंचता है, पहले जल चढ़ाता है फिर बेलपत्र चढ़ाता है। दोनों का अलग अलग क्रम है, दोनों का अलग अलग भाव वर्णन है। पहला, अगर बेलपत्र चढ़ाया है और उसके बाद अगर आप शंकर भगवान पे जल चढ़ा रहे हो तो ये रोग मुक्ति के लिए होता है। जैसे बड़े रोग किसी को हो जाए, रोग किसी को घेर ले, तो वो बेलपत्री चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएगा तो उसको रोग थम जाएगा और फिर वो रोग आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। रोगों को थामने के लिए बेलपत्री पहले फिर जल। और जब कुछ कार्य के लिए आप, सिद्धता के लिए आप, अच्छे कार्य के लिए आप, मन की प्रसन्नता के लिए, आनंदता के लिए आप शिव आराधना कर रहे हो, आप शंकर की आराधना कर रहे हो, तो आप जल चढ़ाकर फिर बेलपत्री चढ़ा, उसका लाभ आनंद। आपने जल चढ़ाया उसके बाद बेलपत्री। बस एक बात का स्मरण आपको होना चाहिए शिव महापुराण का, कि जब भी आप भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र समर्पित करते हैं, बेलपत्र समर्पित करते समय प्रयास करा करें कि ये बेलपत्र को जब भी आप समर्पित करें, प्रयास करें कि बीच की जो पत्ती होती है बेलपत्र की, मध्य की जो पत्ती होती है उसको अंगुष्ठ से पकड़ा जाए, उसके बाद में आप फिर बेलपत्री को शिव पर समर्पित करें, प्रयास करें। बेलपत्र जो हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं उसका मध्य जो भाग होता है, बेलपत्री का जो तीन देवताओं का मध्य जो भाग होता है उसको पकड़कर बेलपत्री को शिव को समर्पित करना। पूर्व की कथाओं में यह भी वर्णन किया है कि बेलपत्री की डंडी का मुख कहां होना चाहिए। पूर्व की कथाओं में यह भी बताया गया है कि बेलपत्री की दोनों तीनों डंडियों के बीच में, तीनों पत्तियों के बीच में जो खाली जगह होती है, डंडी होती है, उसका क्या महत्व है, ये पूर्व की कथा में पहले बता चुके। पर आज जो क्रम चल रहा है कथा का, उसमें अपन जो समझ रहे हैं वो ये होना चाहिए कि आप किस कामना से जल चढ़ा रहे हैं, आपके जल चढ़ाने का क्रम क्या है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए चढ़ा रहे हैं तो पहले बेलपत्र चढ़ेगी फिर जल चढ़ेगा। आप कार्य सिद्धि के लिए चढ़ा रहे हैं, पहले जल चढ़ेगा फिर बेलपत्र चढ़ेगी।